वैश्विक आपदा कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को लेकर आज युवा जनता दल यू के राष्ट्रीय सचिव श्री प्रशांत कुमार पंकज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली के डीलरों को चेताया और कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है। संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व पर पहली बार संकट खड़ा हो गया है। आम लोगों के रोजगार चले गए हैं। गरीब तबके के लोग एक एक दाने को मोहताज हो रहे हैं। जो भी लोग मदद करने के लायक है उनके द्वारा भी गरीबों को मदद किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित 5 किलो यूनिट अनाज का वितरण का निर्णय लिया गया, पर कुछ जन वितरण प्रणाली के डीलर्स के द्वारा सही तौल एवं सही दाम नहीं दिया जा रहा है। इससे पूरे क्षेत्र में लोगों के बीच रोष व्याप्त है। राष्ट्रीय सचिव श्री प्रशांत कुमार ने कहा, चक बहाउद्दीन पंचायत के बल्लोचक ग्राम वार्ड नंबर 11 में सैकड़ों ग्रामीणों से मुलाकात कर ग्रामीणों की समस्या सुने एवं जन वितरण प्रणाली में हो रही गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि सही तौल एवं सही दाम नहीं देने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। हमें कई जगहों पर सुनने को मिला है कि डीलर्स के द्वारा 13 किलो के बदले 18 किलो लिए जा रहे हैं एवं 5 किलो मुफ्त अनाज के बदले कहीं 3 किलो, कहीं 3.5 किलो और कहीं मात्र 4 किलो ही अनाज दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव श्री प्रशांत कुमार ने सभी पंचायतों में 5 लोगों की यूथ ब्रिगेड टीम बनाने की घोषणा की, जो हर क्षेत्र के डीलर्स पर निगरानी रखेगा एवं सभी लोगों तक अनाज पहुँचे इसकी व्यवस्था करेगा। राष्ट्रीय सचिव ने डीलर्स से इस महामारी में कम से कम मानवता के आधार पर 5 किलो मुफ्त अनाज वितरण करने का आग्रह किया। साथ ही ऐसा नहीं करने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के साथ साथ कार्यवाही करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर बल्लोचक ग्राम के सूरज कुमार पासवान, पवन सिंह, अनिल कुमार सिंह, दिनेश कुमार सिंह, रविंद्र सिंह, अशोक सिंह, विजय शर्मा, सुनील कुमार सिंह, रामजी महतो, कुंवर सिंह केसरी, रामविलास सिंह, प्रदीप कुमार महतो, चंदेश्वर सिंह आदि भी उपस्थित थे। श्री प्रशांत कुमार पंकज, राष्ट्रीय सचिव, युवा जनता दल यू, एबीपी भारत न्यूज से धीरज कुमार की रिपोर्ट। जितने भी डीलर्स हैं उनको हम मांग कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, कम से कम जो गरीब लोग हैं, जो सरकार जो अनाज दे रही है तो वो अनाज का जो फिक्स है 5 किलो प्रति यूनिट उतना देने का आप काम करें। अभी खबर आ रही है कि जो 5 किलो बदले कहीं पे 4 किलो मिल रहा है, कहीं पे 3 किलो मिल रहा है, तो कम से कम जो है आप जो सरकार के द्वारा जो दिए गए अनाज हैं वो सही दाम पे दें, जो निर्धारित दाम है, और सही नाप आपका सही होना चाहिए। तो कम से कम मानवता के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग संकट में घिरे हुए हैं, तो आपसे हम आह्वान करते हैं कि मानवता के नाम पे ये गरीबों को जो है सही जो है अनाज का वितरण करें। जी सर, ये जन वितरण प्रणाली को लेकर के जो आपके सरकार जो दे रही है 5 किलो चावल या फिर और सुविधाएं जो दे रही है, तो आपके पंचायत में क्या सुविधाएं हैं और क्या नाम है सर आपका? सूरज कुमार पासवान, प्रमुख। सुविधाएं तो मिल रही है लेकिन कम मिल रही है। यहाँ पे 5 किलो मिलना चाहिए था, वहाँ सर 4 किलो, सरकार के द्वारा जो दिया गया 1 किलो दाल मिलेगा वो भी नहीं मिला। अच्छा, तो उसके आप लोग कहीं कंप्लेन या किसी को सूचना दिया जो ये सब चीज़ नहीं मिल रहा है? दिए हैं, जब वीडियो साहब को दिए तो इसके ऊपर कोई ढंग का कार्रवाई वगैरह अभी तक आपके इधर ये चावल चावल या जो भी राशन का जो भी सामान है वो अभी तक नहीं मिला? मिल रहा है जी जी, उसमें लेकिन कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? कौन सा गाँव है ये? ब्लॉक कौन सा है? प्रखंड जो जन वितरण को लेकर जो सरकार कह रही है 5 किलो फ्री में हम चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ पर वो सुविधा मिली है क्या? मिली है लेकिन काट खोट के कम दे रहा है। कितना दे रहा है? 5 किलो के बदला देता है 3 किलो। अच्छा, और दाल वगैरह कुछ नहीं दे रहा? अच्छा, तो उसमें और जो जनरली रेट से जो जन वितरण का सामान मिलता है वो भी क्या मिला है आपको? मिला तो है लेकिन वैसा ही मिला है। क्या किलो करके क्या रेट से मिला है आपको? 25 किलो के लेके जो 80 रुपया लेता है 25 किलो। तो ये तो जानकारी, ये चीज आपको जानकारी नहीं है कि 13 रुपए के हिसाब से जानकारी जाता है? क्या नाम डीलर का? क्या नाम हुआ? रामचंद्र सिंह। कहाँ पे, कौन सा गांव? वार्ड नंबर 11। कौन सा पंचायत? चकबहाउद्दीन पंचायत। और भी कोई दिक्कत आपको है?